वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में जीडीपी की विकास दर में बढ़त, अनुमान के विपरीत 8.2% की रफ्तार से बढ़ी जीडीपी। रुपए में अब तक की रिकॉर्ड गिरावट, पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया 71 के पार पहुंचा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 78.52 रुपए और डीजल की कीमत 70.21 रुपए हुई। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन, आईटीआर नहीं भरने पर 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर पुणे पुलिस की सफाई, कहा छापेमारी की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की गई। सरकारी पैसे से राजनैतिक प्रचार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी शासित 4 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान और झारखंड को नोटिस जारी किया, 4 हफ्तों में जवाब मांगा। किसानों की कर्ज माफी और आरक्षण के मुद्दे पर हार्दिक पटेल की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी, 5 किलो वजन घटा। और 18वें एशियाई खेलों के 13वें दिन आज भारत जापान के बीच महिला हॉकी का फाइनल, 64 मेडल्स के साथ भारत 8वें स्थान पर पहुंचा।